नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सिक्कर क्षेत्र में परिवार फोर्सेस ग्रुप के पदाधिकारियों के सानिध्य में शहीद सुभाष बैरवाल के पैतृक गांव सापुरा दौंद पहुंचकर शहीद का किया सम्मान। सिक्कर परिवार फोर्सेस ग्रुप के सदस्यों ने शहीद के घर पहुंचकर शहीद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। वह शहीद के सम्मान में 2 मिनट का मौन धारण किया। शहीद की माता शांति देवी, वीरांगना सरला देवी व पिताजी कालूराम बैरवाल को सरपंच प्रतिनिधि हरपूल धायल की मौजूदगी में सहायता राशि के रूप में 1,65,000 रुपए का चेक व 1,100 रुपए नगद भेंट किए। वह शहीद की याद को चिर स्थायी बनाने हेतु घर के आंगन में आम का फलदार पेड़ लगाकर परिवार को पेड़ को अपना बेटा मानकर बड़ा करने की जिम्मेदारी सौंपी। ग्रुप की तरफ से महेंद्र तेतरवाल ने समस्त साथियों की तरफ से शहीद साथी सुभाष बैरवाल को श्रद्धांजलि दी। वह परिवार को ढांढस बधाया तथा ग्रुप के उद्देश्य के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अब तक हर मुहिम के माध्यम से 35 शहीद परिवारों की मदद कर चुके हैं तथा आगे भी शहीद परिवारों की मदद करना जारी रखेंगे। शहीद परिवारों की मदद जारी रखने का भरोसा दिया है। ओम प्रकाश मिठारवाल सिक्कर परिवार सामाजिक संस्था दिल्ली ने बताया कि अब तक 35 शहीद परिवारों को आर्थिक सहायता की मदद कर चुके हैं। वह शहीद परिवार को हर सुख दुख में सामाजिक रूप से भावनात्मक रूप से हर संभव साथ खड़े रहने का विश्वास दिलाया। सरपंच प्रतिनिधि हरफूल धायल ने परिवार की आर्थिक मदद करने पर ग्रुप सदस्यों का धन्यवाद किया। वह ग्रुप द्वारा शहीदों की सहायता चलाई जा रही मुहिम की सराहना की। इस मौके पर सिक्कर परिवार फोर्सेस ग्रुप की तरफ से महेंद्र तेतरवाल, सिक्कर परिवार के ओम प्रकाश मिठारवाल, राजेश काजला, राजेश बुडक, अरुण बीएसएफ, श्री राम राकेश सैन, सुल्तान सिंह आर्मी, श्रीमान कमल किशोर व हरफूल सरपंच प्रतिनिधि श्याम बैरवाल, बाबूलाल सैनी, रतन बंधाला, राकेश सैनी, नेमी चंद बंधाला, रामस्वरूप मीणा, राजेश शर्मा, महावीर बैरवाल, पूरणमल बैरवाल, श्रवण सैनी व अन्य गणमान्य ग्रामीण जन उपस्थित रहे। शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करता हूँ शहीदों को इसी तरीके से आगे भी जो है मान सम्मान मिलता रहेगा। लगेंगे शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले, यही उनका एक निशान होगा। तो मैं सरपंच जी से एक विशेष गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत की किसी खास चौक का या स्कूल का या कोई रास्ते का जो यहाँ तक आ रहा है, मैंने सुना है कि रास्ता बहुत ख़राब हालत में है, इसको आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप प्रियोरिटी पे शहीद के घर तक इस रास्ते को CC या इंटरलॉकिंग जिससे भी आप करवा सकते हैं पंचायत के माध्यम से, उसको करवाने का आपसे अनुरोध है। बिल्कुल धन्यवाद आपका, आपने हमें इसका वादा दिया है, प्रॉमिस किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप शीघ्र ही इस काम को करेंगे। माननीय प्रेम सिंह बाजोर जी भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी मूर्ति लगवाने की घोषणा की हुई है। तो मैं आपसे ये भी गुजारिश करता हूँ कि जहाँ मूर्ति स्थापना की जाए उसके लिए आप पंचायत की तरफ से कोई सार्वजनिक जगह उपलब्ध करवाएं, उसका भी हमारा आपसे जो है अनुरोध है। और जब शहीदों की मूर्तियाँ जब लगेंगी गाँव में तो लोग जो है उससे प्रेरित